नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल एआरसी ग्रुप्स के नॉलेज सेंटर पर। आज हम फिर आपके लिए एक नई मशीन लेके आए हैं। ये जैसे आप देख सकते हैं रियल टाइम ब्रांड का अटेंडेंस मशीन है। बहुत ही बेसिक मशीन है दोस्तों, और छोटी मोटी रिक्वायरमेंट्स के लिए बहुत ही अच्छी मशीन है। ये बिल्कुल सिमिलर है T5 के, बस इसका सेंसर थोड़ा सा T5 से हल्का सा डाउनग्रेड है। अदरवाइज दोनों ही मशीनें बहुत ही बढ़िया हैं। अगर आपकी ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है ऑफिस में अटेंडेंस के लिए, सपोज दैट 10-20-50 एम्प्लॉयज है, 100 एम्प्लॉयज है, ठीक है, तो उसके लिए बहुत अच्छी मशीन है फ्रेंड्स। तो हम इसको फटाफट अनबॉक्स कर लेते हैं, इसमें देखते हैं कि क्या क्या मिलेगा हमें। फ्रेंड्स, हमने इसको अनबॉक्स कर लिया है। इसमें जैसा कि देख रहे हैं हम, ये यूजर मैनुअल है इसका। ये आपकी एक मशीन है, ये रही, ये मशीन आपकी C101 हो गई। इसको मैं खोल के दिखाता हूँ। फ्रेंड्स, ये रही वो मशीन C101। ये बैक लुक, ये फ्रंट लुक इसका, ये साइड लुक है जिसमें वही 3 mm का जैक और आपका एक USB स्लॉट पेन ड्राइव से डेटा आउटपुट निकालने के लिए। एक आपको मिलता है ये टेबल टॉप, कुछ स्क्रूज मिलते हैं, और ये आपको मिलता है अडैप्टर। तो हम फटाफट इसको ऑन करके देख लेते हैं मशीन को। ये हमने इसमें पावर कॉर्ड लगा दिया, इसकी कॉर्नर वाला हमें बटन प्रेस करना है। जैसे फ्रेंड आप देख पा रहे हैं मशीन अप ऑन हो चुकी है। मैं इसमें अपना फिंगर चेक करके देखता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख पा रहे हैं मैं प्रेस सेकंड बोल रहा है, दैट मीन्स कि मेरा फिंगर इस पे एनरोल्ड नहीं है, इसलिए प्रेस सेकंड बोल रहा है। तो मैं इसको आपको दिखाता हूँ कि इसको मशीन को कैसे आपको रन करना है। आपको ये मशीन इसमें पीछे स्लॉट दे रखे हैं वॉल पे हैंग करने के लिए। ये तीन आपके स्लॉट्स दे रखे हैं, आप देख सकते हैं। इस पर आपको स्क्रूज वॉल पे लगा के इसको जस्ट हैंग कर देना है। अगर आप हैंग नहीं करना चाहते, टेबल पर करना चाहते, तो टेबल जो टॉप के उसको लगा के आपको टेबल पर रख लेना है। वो आपके चॉइस के ऊपर है फ्रेंड्स, जैसे आप उसको रखना चाहें। तो अब इसमें जो सबसे पहला काम है वो है यूजर एनरोलमेंट का। इसमें कैसे यूजर एनरोलमेंट करते हैं मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। इसमें देखिए, जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कुछ कीज दे रखी हैं, एस्केप की कीज है, मैंने की है, अप डाउन की की है, और 1-2 लेके 9 तक एंड 0 आपके पास की है। ये कॉर्नर पे ऑन ऑफ का बटन है, ये ओके का बटन है। तो आपको मेन्यू प्रेस करना है, मेन्यू आ गया। इसमें सेकंड ऑप्शन आपका यूजर मैनेजमेंट का, उस पर जाना है आपको, ओके प्रेस करना है। फिर आपको एड यूजर पे ओके प्रेस करना है। फिर आपको यहाँ पे आईडी आप देख रहे हैं 1 दिखा रहा है। तो अब इसमें आपको तीसरा ऑप्शन जो देख रहे हैं फिंगर का है। तो ये एक आपका जो एक यूजर का उसका एक ये छोटा सा फॉर्म होता है, ये ओपन हो गया। इसमें कुछ आपको फिलअप नहीं करना, सिर्फ जस्ट एक फिंगर एनरोल करवाना है। फ्रेंड्स, मैं आपको और बता दूं, इसमें फिंगर के साथ साथ आप इसमें एक कार्ड है, ये कार्ड इसका एक सैंपल आता है। इसमें आप 1000 यूजर्स तक ये मशीन कैपेबल है, यूजर्स की एंट्री ले सकती है। इसमें आप फिंगर्स यूज कर सकते हैं, कार्ड यूज कर सकते हैं। फ्रेंड्स, मैं इसमें कार्ड लगा रहा हूँ, स्वाइप अगेन बोल रहा है, और मैं इस पर फिंगर लगाऊंगा तो प्रेस अगेन बोलेगा। और इसमें एक तीसरा ऑप्शन पासवर्ड का भी होता है, पासवर्ड के साथ इसमें पंचिंग कर सकते हैं। तो मैं आपको बता रहा था कि मैं कैसे इसमें एक फिंगर कैसे अनलोड करते हैं। मेन्यू पे जाएंगे, सेकंड ऑप्शन आपका यूजर मैनेजमेंट, ओके। उसके बाद आपको एड यूजर पे जाना है, ओके करना है। फिर फिंगर पे आना, अब प्रेस फिंगर आपको दिखा रहा है। इसमें आपको कोई सा फिंगर, आपके पास 10 उंगली है, 10 उंगली में कोई सा फिंगर आपको एनरोल कर देना है। मैं ये फिंगर एनरोल कर लू अपना, दूसरी बार हो गया। फ्रेंड्स, एस्केप प्रेस करना है, सेव के लिए पूछेगा, ओके करना है। अब मेरा फिंगर एनरोल हो चुका है, बट मैं इसको चेक करूंगा कि मेरा फिंगर बाकी में एनरोल हुआ है कि नहीं हुआ है, देख लेते एक बार। अब मैं बाहर आ गया, बाहर आके मैं यहाँ चेक कर रहा हूँ। देखिए फ्रेंड, थैंक यू बोला इसने, दैट मीन्स कि आपका फिंगर सक्सेसफुली एनरोल हो चुका है। इसी तरीके से आपको बाकी जितने भी एम्प्लॉयज है आपके, उसको उनको एनरोल करना है। जैसे आप फिंगर को एनरोल करेंगे, फिंगर के जस्ट नीचे आपको कार्ड का ऑप्शन मिलता है। वहां पे कार्ड, जैसे आपने फिंगर को एनरोल किया था, कार्ड वाला ऑप्शन चूज करके आप कार्ड को एनरोल कर सकते हैं। वैसे ही पासवर्ड का भी ऑप्शन उसी के जस्ट नीचे होता है, तो आप उसको पासवर्ड का ऑप्शन यूज कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आप कॉम्बिनेशन भी यूज कर सकते हैं। अगर किसी को
डुअल पंचिंग की जरूरत है, जैसे कार्ड पासवर्ड की या फिंगरप्रिंट पासवर्ड की या फिंगरप्रिंट कार्ड की, तो वो कॉम्बिनेशन भी आप इसमें यूज कर सकते हैं। सेकेंड वन थिंग, आपको इसमें डेटा निकालने के लिए बहुत ही ईजी वर्क है। जैसे एक पेनड्राइव लाइए, पेनड्राइव इसमें इंसर्ट करिए, यहाँ पे ऑप्शन में मेन्यू में जाना है, डेटा मैन में जाना है, डेटा मैन इधर कॉर्नर वाला ऑप्शन है, ओके। यहाँ पे डाउनलोड ऑल लॉक सेकंड ऑप्शन है, ओके करना है। वर्किंग दिखा रहा है अभी, तो फ्रेंड्स ये फेल दिखा रहा है क्योंकि मैंने पेनड्राइव इंसर्ट नहीं करी है। ये मैं पेनड्राइव इंसर्ट कर दूंगा इसमें, तो ये सक्सेसफुली दिखा देगा। वो पेनड्राइव में एक डेटा टेक्स्ट फाइल आ जाती है, उसको लेके आपको आपके जो सॉफ्टवेयर है एयरसॉफ्ट 10.7 उसमें उस पेनड्राइव को लगाना है आपको सिस्टम में, उससे आपको वो डेटा वहां से फैच करना है पेनड्राइव से, और उससे आपको रिपोर्ट आपकी जनरेट हो जाएगी। तो फ्रेंड्स ये जैसे मैंने कहा इको सीरीज की फर्स्ट मॉडल जैसे T5 था, उसी के ही सिमिलर ये C101 मॉडल भी है। तो इसमें आपको बहुत सारे फीचर्स मिल जाते हैं बहुत ही अच्छे प्राइस के लिए, आप चेक कर सकते हैं ऑनलाइन ऑफलाइन कहीं से भी चेक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये हैवी ड्यूटी मॉडल है, काफ़ी अच्छी मशीन है ये, बहुत ही इसका जो कवर है काफ़ी अच्छा है और काफ़ी फास्ट मशीन है फ्रेंड्स, बहुत जल्दी काम करती है। तो फ्रेंड्स ये कुछ फीचर्स थे। इसमें फ्रेंड्स क्या नहीं मिलता है वो भी थोड़ा मैं आपको डिस्कस कर दूं। इसमें ये जैसे कि आपके अगर सपोजेड ज्यादा यूजर्स हैं तो इसमें आपको ये बेसिक मशीन है तो इसमें कुछ ज्यादा फीचर्स नहीं मिलेंगे। इसमें बैटरी बैकअप नहीं है, कोई लैन पोर्ट नहीं है, सिर्फ एक आपके पास ऑप्शन बचता है USB से डेटा निकालने के लिए, वो भी आप सिर्फ पेनड्राइव यूज कर सकते हैं, और कुछ यूज नहीं कर सकते हैं। और इसमें क्लाउड कनेक्टिव वगैरह नहीं है फ्रेंड्स, इसमें आपको लोकली आपको एक्सेल से डाटा आउटपुट मिल जाएगा डायरेक्टली। और इसमें खास ज्यादा कुछ नहीं है, बहुत ही बेसिक मशीन है फ्रेंड्स, तो अगर आपकी जरूरत बहुत छोटी है तो उसके लिए परफेक्ट मशीन है, आप इसको परचेज कर सकते हैं। किसी भी तरह की आपकी कोई इंक्वायरीज हो तो प्लीज डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर शेयर्ड है, आप वहां से हमें कॉल कर सकते हैं या नीचे कमेंट बॉक्स में आप अपना कोई भी क्वेरी दे सकते हैं, तो हम आपकी हेल्प कर देंगे किसी भी तरह की बायोमेट्रिक सॉल्यूशंस की प्रॉब्लम के लिए। थैंक यू दोस्तों, फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियोस को लेके, तब तक के लिए गुड बाय।